रविवार को छतरपुर में क्षेत्र की सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना के साथ हिंदू राष्ट्रीय सेवा समिति के तत्वावधान में एक पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए क्षेत्र का दौरा करेगी। इस पदयात्रा में कई साधु संत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। पदयात्रा का स्वागत शहर के व्यापारियों, हिंदू संगठन के लोगों और छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के परिवार के द्वारा भी किया गया। पदयात्रा का उद्देश्य पदयात्रा में सम्मिलित साधु संतों ने बताया। आज ये हिंदू राष्ट्र एकता समिति के द्वारा ये स्टेडियम से लेकर के पूरे नगर का भ्रमण करते हुए ये रैली सनातन धर्म की एकता के लिए, ये जटाशंकर जा रहे हैं, सब लोग जटाशंकर में जल चढ़ाएंगे और विश्व के हित के लिए, हिंदू सनातन धर्म की शुभकामनाओं के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लेते हुए मंगल कार्य करेंगे। इस दौरान पदयात्रा का स्वागत सागर रोड पर विधायक आलोक चतुर्वेदी के निवास स्थल के सामने किया गया। इस मौके पर विधायक आलोक चतुर्वेदी के पुत्र नितेश चतुर्वेदी सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता राजेंद्र अग्रवाल ने इस विषय में जानकारी दी। आज छतरपुर से जटाशंकर धाम के लिए हिंदू राष्ट्र सेवा समिति के द्वारा एक वाहन रैली निकाली गई है। इसके उपलक्ष्य में खेल ग्राम परिवार के द्वारा उनका स्वागत किया गया है, जिसमें हम लोगों ने पुष्प वर्षा करके एवं उन लोगों को मिनरल वाटर के जो गली गली भी वो पानी की समस्या ना रहे उसका इंतजाम किया है और सभी को चंदन लगाकर तिलक लगाकर स्वागत किया है। क्या उद्देश्य इस रैली का? इस रैली से अच्छी बारिश की कामना, क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहे, यही कामना है।